और यार क्लास में लेट हो रहे, जल्दी चलो भागो भागो भागो। फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, लाइक मुझे था कि मैं पहली वीडियो अपनी बहुत तैयार होकर मतलब बड़े उस तरीके से बनाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से लेट हो गई हूँ, मतलब मेरी फर्स्ट क्लास भी मिस हो गई, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं अपना इंट्रो, मतलब आपको सब पता ही है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने एक म्यूज़िक वीडियो, नहीं म्यूज़िक वीडियो भी नहीं, मतलब एक वीडियो शूट करनी है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए मुझे 4 ड्रेसेस निकालने हैं डिफरेंट कलर्स के, तो वो मैं अभी कपड़े भी निकालूंगी, मैंने आज पहन कर क्या जाना है वो भी निकालूंगी, मैंने तैयार भी होना है, अभी मैं नहाना भी है, और अभी 10 बज रहे हैं, 11 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट क्लास तो ऑलरेडी मिस हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग बनाऊँ या अपने काम करूँ, तो बस इतना बता दिया, बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। दूसरी ये, हाँ ओके okay. मैंने ड्रेसेस निकाले, ये वाला मैंने निकाला, मतलब ना मोशंस के हिसाब से, ये वाला मैंने निकाला जॉय के लिए, ये वाला मैंने एंगर के लिए, ये वाला पता नहीं किसके लिए, ये सैडनेस के लिए, जो भी है ये साथ रखूंगी, और एक ये वाला पहनूंगी क्योंकि मुझे क्यूट लग रहा है। तो मुझे मेरे बालों को इग्नोर कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली मैं नहाना था, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहाऊंगी नहीं, ऐसे जाऊंगी क्योंकि मैं ज्यादा लेट हो गई, अब मैं इनको प्रेस कर रही हूं, तो इतना ज्यादा लेट हो गई कि मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मेरी पहली क्लास ही मिस हो गई और दूसरी भी मिस हो गई, अभी मेरी दोस्त की कॉल आई है, और मेरे बालों में फुल बम फटा हुआ था, मैंने पता नहीं किस तरह इतनी मुश्किल से स्ट्रेट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मम्मा को मैंने कैमरा पकड़ा, आज से मेरी जो वीडियोग्राफर है वो मम्मा है, ठीक है। मैं तो मम्मा यहाँ पे कह रही है कि जल्दी दिया नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता ठीक है, पापा बाहर वेट करें। पापा जी आपने मुझे कितने बजे का टाइम दिया था? 9 बजे का। और अब क्या टाइम हो रहा है? लेट होने का जो फार्मूला है मुझे समझ आ गया, मैंने उठ के व्लॉग भी बनाना था लेकिन इतना लेट हो गया, अब क्या करूँ, यही किस्मत है, अब नाश्ता करते हैं जल्दी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी पापा भाई मुझे कॉल कर ही जा रहे हैं कि जल्दी निकलो, और मेरा अभी बहुत सामान पकड़ने वाला रह गया, मैंने कुछ तो पकड़ना था, मुझे पता नहीं भूल ही क्या, बोतल पानी की बोतल लूँ, ठीक है पानी की बोतल लेनी थी, और भी कुछ रह गया तो मुझे याद करने थे एक मिनट। और मैंने ना ये वाला शॉपिंग बैग जो है ना वो बना लिया है फॉर जो वीडियो बनानी है उसके लिए, और ये मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में लेकर घूमना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, काम करना है तो फिर करना पड़ेगा। ओके सो लेट्स गो। ओके सो अब हम निकलते हैं, मुझे समझ नहीं आप भी कितनी गंदी रही होंगी, मैं फिर भी शूट करती जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहे मैं गंदी भी आ रही हूँ, कोई बात नहीं, आइंदा से जल्दी उठना है, आप लोगों को मशवरा दूंगी कि हमेशा जल्दी उठा करें। ओके सो फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गई, और पापा मुझे कब से कॉल्स कर रहे थे कि मैं लेट हो गई, मुझे अपना बैग ही नहीं मिल रहा था, आप क्या कहना चाहेंगे मेरे लेटनेस के बारे? वो लेटनेस के बारे में ये कहना कि ये तो ऑल ओवर ऐसा ही आप पे नहीं ना कहीं और का लेट और आप, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, हमने नया वर्ड निकाला कॉम्बिनेशन की जगह कुछ इस तरह का हाल है, तो बस अब मैं अपने कैफे जा रही हूँ कुछ खाऊंगी, क्योंकि वैसे नाश्ता कर रही किया है, लेकिन वैसे भूख तो मुझे नहीं लग रही, सांस बहुत चढ़ रहा है। वैसे अब हम लोग को असाइनमेंट मिली है कि जिसमें हम लोगों ने मॉडल फोटोग्राफी करनी है, मुझे फोटोग्राफी करना पसंद भी है नहीं भी पसंद, मैंने कुछ बेकार से पिक्चर्स क्लिक किए, लेकिन अभी मेरा ना माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मैं फिर से क्लिक करूँगी, तो फिर ताकि मुझे अच्छे, लेकिन मार्क्स इसमें मार्क्स तो नहीं ना मिलने, बस फिर ठीक है। क्योंकि तो अब मुझे इतनी ज़्यादा प्यास है कि मैं आप लोगों के सामने मम्मा को बोला था कि मुझे पानी दे देना, लेकिन वो फिर पानी लेना भूल गई, अब मैं कुछ पीने के लिए लेने जा रही हूँ, और बोलो कि अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैंने अपनी पिक्चर क्लिक कर ली, और मैं बस अब चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है सीरियसली। और अंकल काम कर रहे हैं, साथ साथ बातें कर रहे हैं कॉल पर अपनी बीवी के साथ, मतलब ऐसे यार ऐसे लड़के होने चाहिए, अपना काम भी करें और आपसे बातें भी करें। ड्रिंक है जो मतलब मैं मोस्टली हमेशा रोज़ पीती हूँ, स्लश लेमन में, ठीक है, मुझे इतनी प्यास लगी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे डिहाइड्रेशन हो, तो मैं इसलिए वो ले रही हूँ। थैंक यू अंकल, कितने की? 150 रुपया देगा। ओके तो अभी मुझे इतना मतलब वो मोमेंट है, मतलब स्लश वाले अंकल कह रहे हैं कि मैं आपको थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरी वाइफ आपको देखती है। अंकल क्या कह रहे कैसे लग रहा है? मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, जब मैंने अंकल के आगे कैमरा किया, अंकल इस तरह थे शुक्रिया मुझे अंकल को ना समझ नहीं आई थी वो कैमरा के सामने क्यों क्या बोले, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग कैमरा शाये होते हैं। ओके तो अब हम लोग करने लगे हैं वो वाली वीडियो शूट जिसका मैंने मतलब जिसके लिए मैं ये सारा जो था ना सामान अपने साथ जो थी ना वो लेकर आई थी, ठीक है। तो अब हम लोग वीडियो शूट करने लगे, और सबसे पहले हम कौन सा इमोशन करने लगे हैं? सैड,
क्योंकि मेरे कपड़े शायद सैड लग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सैड इमोशन क्या होता है, कि एक इंसान सैड वैसे मैं जिंदगी में बहुत कम सैड होती हूँ लेकिन फिर भी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर कौन सी वॉल यूज करनी है, हमने ये वाली वॉल हम यूज करेंगे और फिर बाद में मैं कपड़े भी चेंज करूंगी। हाँ ओके तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग क्योंकि वो पता नहीं क्या उनका कैमरा नहीं चल रहा या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब अपने हमें असाइनमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें इस टाइप के असाइनमेंट्स मिलते हैं कि आपको फिल्म शूट करके देनी है इस टाइप का, तो मुझे मैं एक्टर हूँ तो मुझे एक्टिंग की अपनी स्किल दिखानी। हमने चार इमोशंस रखे हैं सैडनेस, फेयर, एंगर, हैप्पीनेस, इस टाइप के। ओके तो ये लोग मेरे दोस्त इतने बुरे हैं कि मेरा यहाँ पे शूट हो रहा है, ये लोग अपना खाना वगैरह खाना पीना खाने जा रहे हैं और मुझे बहुत नफरत चढ़ गई इनसे, पूरा कैमरा कितने गंदे तरीके से हिला रहा है, मेरी ब्यूटी खराब हो गया, ऐसे मेरी कोई इज्जत है लोगों के सामने, क्या कर रहे हो तुम लोग, बस ऐसे ही रखो। मैंने आज का अपना फुल आउटफिट भी दिखाना था, हाँ बस ठीक है आज से ये मेरा वीडियो तुम क्या ऐसे नहीं करते। और मैं ये भी बता दूं कि ये लोग मेरे बगैर जा रहे हैं और मैं आज से बात इनमें से किसी से बात नहीं करूंगी, ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। ओके बाय करती हूँ। ओके तो यार मतलब मैं कॉन्स्टेंटली कपड़े चेंज करती जा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड भी आप लोग देख लेंगे तो मैंने किस टाइप के इमोशंस किए हैं, मेरा गला इसमें इतना दर्द कर रहा है। अब हमारा लास्ट इमोशन रह गया, उसमें हमने क्या करना है, फेयर के मैं डर रही हूँ और मैं डरती सबसे ज़्यादा किस से हूँ, पापा से तो मैं जहन में वही सोचूंगी कि मेरे पापा हैं। जिंदगी का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव, आप जिंदगी के होकर आ जाते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओके तो अब हमारा लास्ट शॉट रह गया, वो हमने वहाँ पे करना है उधर, ठीक है। तो मैं मतलब कपड़े इस तरह से ऊपर ही पहनती जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दूर होते हैं वॉशरूम वगैरह, तो बता आगे कैसे जाए। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग यहाँ से फ्री हो गए, हमारी क्लासेस भी हो गई, आज हमारी ये क्लास थी 6 बजे तक वाली वो कैंसिल हो गई, तो इसीलिए हम बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और मैं पहली अपनी यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं आज इनको ट्रीट दे रही हूँ सबको। अच्छा सुनो यार मेरी कोई बात सुन लो प्लीज, अल्लाह मेरी एक बात सुन लो, आज मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो इसे तुम लोगों को मेरी तरह से ट्रीट। ओके डन डन, तो आज मैं इनको ट्रीट दूंगी। लड़के तो बिल्कुल भी नहीं है, वाओ लड़के तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके गाइस सो फाइनली हम लोग बिरयानी खाने आए हैं, आज हमने खानी है कौन सी बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी कुकिंग सेंटर। वो अंकल देखो मैं कैसे देख रही हूँ, अल्लाह तो अंकल ना वॉल पेपर दिखाओ तुमने क्या लगाया हुआ, एक मिनट ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड गाइस, जल्दी दिखाओ यार ये वॉल पेपर लगाया, सो क्यूट, मतलब इसमें मुझे थ्रेड्स गाइस थ्रेड्स देख के इसने मुझे, अल्लाह तो नहीं इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पोस्टर लगाई थी, मैं जेलस हो गई, मैंने कहा मेरे साथ लगाओ या फिर मेरे साथ, ये क्लास में बैठी थी मैंने कहा ये देखो, तो ऐसा मैंने वॉल पेपर लगाया, दिखा दे ना मैं कैसे, आई अल्लाह कितने देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके तो फाइनली वेटर ने हमें बिरयानी दे दी और हम खाए, यार ये तो वही लग रही शादियों में नहीं मिलती जो। ओके वेटर थैंक यू, ओके मुझे एक और चाहिए, मुझे 3 चाहिए। तो हम लोग स्ट्रिंग आए हमारे एक दोस्त के लिए और वो हमारी दोस्त बड़ी शैतान है और उसको हम स्ट्रिंग देंगे, ठीक है आओ चलते हैं, आज चलते हैं। और यार क्लास में लेट हो रहे जल्दी चलो, भागो भागो भागो, तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारी क्लास खत्म हो गई और अब हम यहाँ पे लड़के कुछ गाना गा रहे हैं, बहुत पीसफुल माहौल है, सारा जहां है लोग गा रहे हैं गाना, और मतलब हमने अभी भी हमारा पुलिस भी हुआ है, बहुत मुश्किल था। और ये यहाँ पे कर रही है, क्या कर रही हो तुम, यार ये क्या होता था, मुझे परेशान यार, मैं भी यार यार बस ये है कि यार ये लोग लाइफ एट बी एन यू। ओके तो यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब मैं बिरयानी अभी भी खा के हूँ लेकिन स्टिल मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई है, तो मैं आज आपको ना अपना कैफे भी दिखा, लेकिन ना
किसी दिन मैं आपको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाऊंगी, अभी नहीं करवाती, किसी दिन करवाऊंगी, ठीक है? अभी यार फर्स्ट व्लॉग है ना, तो मैं ना थोड़ी सी एक्चुअली मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ, तो इसीलिए ओके. अच्छा अंकल मुझे ड्रिंक चाहिए, आपकी सबसे अच्छी ड्रिंक कौन सी है? ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है? फ्रेश जूस मिल जाए एक बना दे, जैसा इनको दिया सेम वैसा. तो हमारे ना यार कैफे का थोड़ा सा रूल है कि जो आपने कुछ लेना होता है ना उसका पहले टोकन लेना होता है. मैंने जूस लिया था उसका, इसलिए मैं पहले टोकन ले रही हूँ, और इसीलिए फिर अब वो जाकर हम जूस लेंगे. तो यहाँ पर सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं अंकल. यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है इस टाइम पड़ा हुआ है आपके पास? और सैंडविच, ठीक है मैं पिज्ज़ा ले लेती हूँ. अच्छा मेरा नाम पता है आपको? नहीं. मतलब आप मुझे पहले से जानते थे, मतलब ब्लॉग से देख जानते थे. अब मैं अपना चैनल बना रही हूँ, ये अब मैं अपने चैनल पर डालूंगी राबिया फैसल पे, आपने देखना है, ठीक है? उस पर फिर आप भी आ रहे होंगे. किस नाम से होगा? ठीक है मैं आपको कल बताऊँगी, आपने देखना है, ठीक है? ओके. तो मेरी फ्रेंड मुझे लिटरली कॉल करती जा रही है कि राबिया कहाँ पे, और मैं इधर देखो जरा क्या कर रही हूँ. अच्छा बोलो, मुझे बुला रही है. ओके सो अब यार मतलब ऑलमोस्ट डेड सीन अंधेरा होने वाला, हमारी लास्ट क्लास भी होगी, इसके बाद भी हमारी मेरी क्लास ही मैंने बोल ली है, ठीक है? और अब जो है ना अब मैं क्या करने लगी थी, अब हम लोग ऐसे ही बस पार्क आगे जा रहे हैं, तो और फिर मैं बाबा को कॉल भी कर दिया, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, और फिर मैं घर जाऊँगी. मैं इतना थक गई हूँ कि बस मेरा मूड है कि मैं घर जाके सो जाऊँ. ओके तो यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड का हॉस्टल है, ठीक है? तो वो अपने हॉस्टल में गई है, और यहाँ हॉस्टल में ऑब्वियसली गर्ल्स को एंट्री, दूसरी लड़कियों को एंट्री नहीं दी जाती. अंकल ने मेरी एंट्री बंद कर दी है ना अंकल? अंकल ने कहा बाहर ही खड़ी रहो, तुम्हारी दोस्त जब तक नहीं आती. तो मैं अभी बाबा का वेट कर रही हूँ, वो भी आ रहे हैं. तो बस मैं अब यही कहूँगी अंकल से, मैंने इतना कहा अंकल मुझे जाने दें, अंकल ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया. अंकल इतनी सख्ती क्यों करते हैं आप? लिस्ट है. हाँ अंकल ने आपको वैसे एकदम से मेरी शक्ल देख के मुझ पर शक क्यों हुआ कि मैं बच्ची लग रही थी शक्ल से? इसीलिए फिर देखूं. अच्छा आपने नाम लिखे हुए, आपको सबके नाम याद है? हाँ समझ आ गई है. तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं वो बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि अंकल किसी को अंदर नहीं जाने देते, किसी बेगाने इंसान को. तो इसीलिए आप हॉस्टल में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, सेफ है. मुझे नहीं जाने दिया और किसी को क्या जाने देंगे. मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, और पूरी हमारी यूनिवर्सिटी खाली हो गई. मतलब नहीं अल्लाह, ये तो मैं बैक साइड पर आई हूँ ना, मतलब बिल्कुल वो है हमारी यूनिवर्सिटी, वो पूरी खाली हो गई है. नहीं खाली नहीं, बच्चे अभी भी, बच्चे पता है 8-8 बजे तक रहते हैं. ओ वाह, इसमें क्या होते हैं, इससे आवाजें आती हैं? नहीं ये क्या है, इसे कहते हैं? अच्छा ये है वॉकी टॉकी, मैंने मूवीज में देखा था वॉकी टॉकी. अंकल प्रॉपर अपने कामों में लगे हुए हैं, चिल सीन है अंकल का, और हम इधर पढ़ने आते हैं यार. ओके तो यार मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि आज मेरा पहला व्लॉग था, तो आप लोग थोड़ा सा कोई गलती वगैरह होगी तो माफ कर देना, ठीक है? ओके लेकिन फिर भी वैसे चले कोई बात नहीं. लेकिन अब बाबा मुझे लेने आ गए हैं, ठीक है? और अब मैं घर की तरफ जा, मतलब वो उल्टी साइड पे आई हुई थी, अब चल के इतनी दूर जाना पड़ेगा, मेरे पाँव इतने दर्द हो रहे हैं. अब मैं अपनी दोस्त को भी कॉल करके बता देती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, ताकि वो भी चली जाए. और ये देखें हमारी अल्लाह कितनी रात हो गई, मुझे खौफ आ रहा है. ओके सो फाइनली मैं अब घर आ जा रही हूँ, और पापा शुक्र आगे बड़ा वेट करवाया वैसे मैं वेट कर रही थी, और पापा की ये मैं बात पकड़ ली, गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं वैसे. नहीं नहीं मैं देख रहा हूं, लेकिन पापा पिछले इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट है. मुझे भी अभी सिखानी है आपने. हाँ मैंने 2 दफा गाड़ी चला चुकी हूँ, वापस सिखाएंगे मुझे, ठीक है? हाँ डन. ओके गाइस अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो इसीलिए अगर कोई गलत वगैरह बनाया हो तो वो तो गलती हो ही होगी, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है? बाय.